दोस्तों, मैं आप सभी के सामने लाइव हूं। बीपीएसआई की जो नोटिफिकेशन आई है, इसके संबंध में कि आपकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज से संबंधित क्या है, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आया हूं। क्योंकि नोटिफिकेशन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है, सभी को ध्यान रखना है। और ये फिलअप आपका 16 तारीख से प्रारंभ है। एसआई की वैकेंसी इसमें है, सब इंस्पेक्टर की, और साथ ही साथ आपके सार्जेंट की वैकेंसी आई है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग पूरे डिटेल को देखते हैं। आप सब, कई लोगों ने इसके डिटेल के बारे में पूछा था, तो इसीलिए मैं आप सभी के सामने आया हूं। ये जो वैकेंसी है, कई बच्चे पूछ रहे थे, सर ये किसकी वैकेंसी है? ये भैया 2020 की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, क्या क्या है? एक तो आपका सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, दूसरी इसमें बिहार में परिचारी होता है जिसको सार्जेंट बोलते हैं, ये दो पद इसके द्वारा आए हुए हैं। पदों की संख्या अच्छी खासी है भाई। ठीक, 16 तारीख से आपका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। किस दिन से? 16/8 से आवेदन रविवार से प्रारंभ है, और अंतिम तिथि 24/9 इसमें बताई गई है, गुरुवार तक। 24/9 तक, 16/8 से लेकर 24/9 तक ये फॉर्म आपका फिलअप होगा। तो इस डेट को आपको याद रखना है, यानी रविवार से आपका फॉर्म भरना जो है प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात है, ये तीसरा विज्ञापन बीपीएससी जो है इसका है। इसमें आरक्षी के जो शाखा होती है बिहार सरकार की, गृह विभाग में, उसके अंतर्गत 2020 के लिए आपकी एसआई की वैकेंसी और सार्जेंट की वैकेंसी दोनों आई है। जो पद हैं, पद और वेतनमान इसके, ये लेवल 6 की बताई जाती है। ठीक है, 35,000 से लेकर के 1,12,400, ठीक है, ये आपका वेतनमान है। और पदों की संख्या 1998 है, यानी एसआई के पदों की संख्या 1998 पद है। और वही हम जब बात करते हैं परिचारी यानी सार्जेंट के पदों की, तो इसका भी वेतनमान वही है, इसके पदों की संख्या 215 है। यानी अच्छे खासे पद दोनों को मिलाकर है। आपको बहुत ढंग से भैया, जो लोग अभी एसआई बनने की राह देख रहे हैं, बिहार एसआई में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे ये परीक्षा काफी आसान बन जाती है। अब हम इनके कुछ अन्य डिटेल की ओर चलते हैं। ठीक है, आवेदन कैसे करना है उनके लिए सारा डिटेल इसने जारी किया है। ये आपका जो विज्ञापन है, ये आपके बिहार पुलिस सर्विस के द्वारा ही जारी किया गया है। इसमें यह ध्यान रखना है, एक ही फॉर्म, वो तो भैया हर जगह होता है कि कोई भी आपका एक ही फॉर्म भर सकता है। आवेदन पत्र भरने के क्रम में भर्तियों से पद की प्राथमिकता पूछी जाएगी कि आपको पहले नंबर पर एसआई रखना है कि दूसरे नंबर पर आपका जो है एसआई रखना है। सार्जेंट को पहले पर करना चाह रहे तो दोनों के लिए एक परीक्षा आपको देनी है। ये बात कंफर्म हो गई कि एक ही परीक्षा से हम दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरी चीज इसमें, अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों को। ठीक, ये इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, 17 में हुआ था, 19 में हुआ था, कि इसमें उपनिरीक्षक के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए कि प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें भैया, ये अपना जो यहाँ का होता है उत्तर प्रदेश एसआई का और बीपीएससी में बहुत फर्क है। क्या फर्क है इसको समझिए। इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, वही एमसीक्यू वाला। सबसे पहले आपको एक संयुक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा की आयोजन होगा। इसमें दो चरण होते हैं। ठीक है, अपने यहाँ केवल एक होता है कि आप प्री देते हैं, उसके बाद सीधा दो और फिजिकल में चले जाते हैं। इसमें प्री होगा और मेंस होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के सभी पत्र जो होंगे, प्रश्न पत्र, ये बहुविकल्पीय होते हैं, एमसीक्यू लेवल जो हम लोग देते हैं जिस पर है। दूसरी बात, इसमें प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, क्या क्या होता है। इसकी प्री की परीक्षा 200 अंक की होती है। उत्तर प्रदेश एसआई की प्री की परीक्षा आपकी पहले स्टेज की 400 अंक की होती है। इसमें प्रश्नों की संख्या, इसमें कुल प्रश्न आपके 100 होते हैं, 100 प्रश्न 200 अंकों का आता है। अपने यहां 160 प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न 2.5 अंकों का होता है। ठीक है, इसकी अवधि 2 घंटे, मतलब प्री का पेपर 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। 200 अंक का पेपर यह होता है। इसमें क्या क्या पूछते हैं? सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे यानी करंट से सवाल होता है। 30% से कम अंक जो प्राप्त करेंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। अपने यहां पहले 50% मिनिमम था, अब भी ओवरऑल 50% लाना है। इसमें आपको 100 में से 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, अगर आपको मेंस देना है तो 30 आपको परसेंट यहां मार्क्स लाने, मतलब काफी सरल प्रक्रिया है इसकी। प्रारंभिक परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करेंगे, रिक्तियों के 20 गुणा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। रिक्ति जितनी है, इसमें 2200 लगभग पद है, तो इसका 20 गुना अभ्यर्थी मेंस में बैठेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा में आपका क्या क्या होगा? जो प्री में आपके क्वालिफाई करके आएंगे उसमें मुख्य परीक्षा में 2 इसमें पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें 2 पेपर होता है। एक तो आपका प्रथम जो पेपर होगा, इसमें 200 अंकों का सामान्य हिंदी होता है, केवल हिंदी का पहला आपका 100 क्वेश्चन इसमें रहता है। और दूसरा हिंदी वाला ये जो होगा, ये 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन
आपके हिंदी के पूछे जाते हैं मेंस के जो है पहले पेपर में, और दूसरा जो होता है इसमें भी 30% अंक लाना होता है, और जो सामान्य हिंदी का आपका प्राप्तांक होगा ये मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाता, एक तरीके से क्वालिफाइंग मान सकते हैं। द्वितीय जो आपका पत्र प्रश्न पत्र होता है जिसको सामान्य अध्ययन कहते हैं जीएस, इसमें सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से संबंधित 100 सवाल इसमें होते हैं। तो 100 मेंस में दो पेपर है, एक तो हिंदी का है 100 क्वेश्चन, दूसरा आपका जीएस का क्वेश्चन है जिसमें मैथ भी आपकी शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग मिला करके जीएस सब कुछ मिला के 100 क्वेश्चन आता है, 200 नंबर का यह भी है, 2 घंटे का यह भी पेपर है। अपने यहां प्री में 400 नंबर का होता है, एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें आपके 40-40 क्वेश्चन पूरा बटते हैं, इसमें प्री आपका केवल 100 क्वेश्चन का होता है एक प्रश्न पत्र, उसके बाद मेंस होता है, मेंस में 2 क्वेश्चन 2 पार्ट बटते हैं, एक पेपर वन एक पेपर टू, पेपर वन में केवल हिंदी है, केवल आपका क्वालिफाई एक तरीके से मान सकते, पेपर टू 100 अंक का है जिसमें मैथ रीजनिंग जीएस सब कुछ है, ये 100 आपके उसका मतलब क्वेश्चन का होता है, 200 अंक का होता है, इसके आधार पर आपको सारी चीजें करनी होती है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रतियां मिलेंगी आपको उत्तर पुस्तिका की, एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित, एक आपको दे दिया जाएगा, ठीक। तो अब जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी, प्री वाले में 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं मेंस के लिए, इसमें मेंस में क्या होगा, जितनी रिक्ति है उससे 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए, आपके फिजिकल के लिए, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पीईटी होता है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में जब आप जो है सारे मतलब अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट इसमें फाइनल बनती है, उसमें मेरिट लिस्ट में मान लीजिए मेंस में भी जो आपका क्लियर हुआ तो उसके बाद आरक्षण कोटिवार तैयार की जाती है पूरे के पूरे अंक वहां पर, ठीक। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अगर अभ्यर्थी के अंक समान होते हैं तो मेधा जो सूची बनाई जाती है उसमें उनकी जन्मतिथि के आधार पर निर्धारण करते हैं, यानी उम्र में जो बड़ा होगा वो आएगा, अगर ऐसी कंडीशन में कि जिन 2 ऐसे लोग जिनके अंक समान आ जाए उस दशा में, ठीक, ऐसी चीजें करती हैं। अगर समान अंक आ गया, समान जन्मतिथि आ गई, तब उसके लिए वो अलग करते हैं, उनके स्थान पर शैक्षणिक योग्यता देखते हैं, तो ऐसे चांसेस बहुत कम मिलते हैं। बहरहाल दूसरी चीज है फाइनल जो आपकी लिस्ट बनती है, तो फाइनल लिस्ट हमेशा ध्यान रखना भैया, जो मेंस का आपका पेपर होगा उसकी अंतिम मेधा सूची हित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी और महिला वर्ग के लिए न्यूनतम जो अहर्तांक है वो 32% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% है, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 40% होगा। ये मेंस में आपको इतने इतने क्वेश्चन विभिन्न आपके जो जातियां हैं उस हिसाब से लाना ही लाना होता है, ठीक है, इतना परसेंट आपको सही करना होता है। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो कह रहा है कि 1-8 तारीख को 1 अगस्त को, ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, 1 अगस्त को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। सारे लोग उत्तर प्रदेश वाले भी इसमें अलाउ हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें डेट आपकी क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा होनी चाहिए, तो बिहार एसआई और यूपीएसआई में अंतर है, अपने यहां 21 से 28 साल, यहां पर क्या होता है कि 1 जनवरी 2020 से आयु की गणना होती है। इसमें जो सामान्य है यूआर कैटेगरी जिनको अनारक्षित बोलते हैं जनरल बोलते हैं, इनके लिए पुरुषों में 20 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु और अधिकतम 37, 20 से 37 चलता है, अपने यहां 21 से 28 चलता है। दूसरी बात, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 3 साल, मतलब 20 से 40 छूट होती है। अनारक्षित कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम और 20 है और अधिकतम 40 है, ठीक है, महिलाओं के लिए 3 साल की उम्र सीमा इसमें छूट मिलती है। उसके बाद अन्य लोगों की अगर देखें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम 42 होनी चाहिए, ठीक है। तो वुमेन्स को सभी में दोनों कैटेगरीज में आपके काफी रिजर्वेशन दिया गया है, आयु सीमा में छूट दी गई है। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनके वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए निर्धारित है, यानी ईडब्ल्यूएस वालों को जो आपकी एज लिमिट है उसमें कोई छूट नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं आरक्षण, यहां जैसा चलता है वो तो बिहार का अपना प्रावधान है,
ठीक, केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासियों को ही आरक्षण मिलेगा। ठीक, बाहर वाले जैसे उत्तर प्रदेश वाले जाएंगे तो आपको जनरल में फाइट करना है, आप वहां यहां आरक्षण वाले हैं वहां नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें ऊंचाई की बात करें तो अनारक्षित जो सामान्य वर्ग के हैं और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर चाहिए। अत्यंत जो आपके पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन जो है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक, ये महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए आपकी 165 सेंटीमीटर और 160 चाहिए। सीना फुलाओ मेल्स के लिए, इसमें अनारक्षित जो है पिछड़ा वर्ग है अत्यंत पिछड़ा वर्ग है इनके पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर आपका 86 होना चाहिए, न्यूनतम और अधिकतम है, अपने यहां बहरहाल कम मांगा जाता है। इसमें बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाने पर आपका 86 मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाओ न्यूनतम चाहिए। ठीक, और ये 5 सेंटीमीटर स्पेशल लिख रखा है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना ही फूलना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाना पर आपका 84 होना चाहिए। ठीक, 5 सेंटीमीटर इनमें भी कंपलसरी है कि फुलाने पर अंतर होना ही होना चाहिए दोनों में। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं, दौड़ वगैरह तो 1 मील की दौड़ दौड़नी होती है लगभग आपका 1600 मीटर के करीब जाएगा। ठीक है, नहीं 1 मील है तब तो चीजें बढ़ गई, हाँ वही है 6 मिनट 30 सेकंड, 1600 आपका मीटर के अप्रॉक्स हो गया। इसमें अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल, मतलब 6 मिनट 30 सेकंड आपको लेना है 1 मील की दौड़ के लिए पुरुषों के लिए, और उसके बाद महिलाओं के लिए अगर बात करते हैं तो 1 किलोमीटर की कोई केवल दौड़ है और 6 मिनट में इसको पूरा करना है, 1 किलोमीटर 6 मिनट में जाना है जितनी महिलाओं के लिए इसमें है। ऊंची कूद भी होती है, पुरुषों के लिए 4 फीट न्यूनतम कूदना है, महिलाओं के लिए 3 फुट आपको न्यूनतम कूदना है, ऊंचाई पर ऊंची कूद होगी। ठीक है, लंबी कूद भी है, लॉन्ग जंप है, न्यूनतम 12 फुट कूदना है पुरुषों को और महिलाओं को न्यूनतम 9 फीट की दूरी कूदनी है। गोला भी फेंकना है, पुरुषों को 16 पाउंड का गोला अपना फेंकना है। ठीक है, ये 16 फीट न्यूनतम फेंकना है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट न्यूनतम फेंकना है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा लेकिन 10 फीट न्यूनतम फेंकना होगा। उसके बाद इसमें जो अनुसूचित जाति और इन सबकी वैकेंसी की गई है किस किस हिसाब से, जैसे अनुसूचित जाति है 333 पद किए गए, 124 महिलाओं के लिए जो है आरक्षित रहेंगे, ऐसे अनुसूचित जनजाति है 17 पद है, 6 पद इसमें रिजर्व है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 387 पद है, 147 इनके लिए रिजर्व है, पिछड़े वर्ग में 280 है, ठीक है 94 पद रिजर्व है, ऐसे EWS वालों के लिए 199 पद है, 59 रिजर्व है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो हैं 58 पद आपका इनके लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, पदों की संख्या 58 है इसमें। अनारक्षित जो सामान्य है सामान के लिए 724 पद इसमें आए हैं, 1998 पद ये आपके SI के लिए हैं जिसमें से 683 पदों पर आपका रिजर्वेशन है। अब हम बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण वाला जो कुछ चलता है उसमें, जानते हैं कि जो आपका आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटी होती है इसमें महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। ठीक है, राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती जो है नाती नाता को भी 2% का आरक्षण इसमें दिया जाता है आपके बी जो है BPSI में। आयु सीमा में छूट की बात करें तो जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं इनको छूट दी जाती है, मतलब असैनिक पदों पर नियुक्ति है भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलती है बिहार जो है आपके राज्य में। उसके बाद 57 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान देना है, पता चले कि रिटायरमेंट हो जाए तो उनकी पोस्टिंग हो। ठीक, और बाकी जो पुलिस आपका SI है इसमें बिहार राज्य के सरकारी सेवाओं सेवकों को भी आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट दी जाती है, 3 साल इसको भी छूट मिलती है। तो ये पूरा सार्जेंट जो है, सार्जेंट की अब हम बात करते हैं, इसमें पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं चयन हेतु लिखित परीक्षा की प्रक्रिया स्तर मानदंड वही है जो आपके SI के लिए, सेम एज वही है, दोनों में आपको क्या करना है वही चीजें करनी है, जो कुछ आपका वही है सब कुछ वही है। इसमें जब प्रेफरेंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जो प्रेफरेंस आपके, जब प्रेफरेंस आपको भरना होगा, मर्जी हो पहले पर SI को रख दें या मर्जी हो आपको पहले पर किस पर रख दें, इस सार्जेंट की रख दें, तो दोनों चीजें आपकी सेम एज है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो आपका परिचारी है, परिचारी के लिए जो आपकी ऊंची फिजिकल आपका होना है, ठीक है PET होना है, इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंची कूद वही है 4 फीट है, ठीक है 4 फीट 6 इंच कर दिया है, न्यूनतम 3 फुट महिला अभ्यर्थियों को कूदना है।
और लंबी कूद में 15 फीट कूदना है, उसमें 12 था, सार्जेंट में ज्यादा कूदना है, ध्यान रखना महिलाओं के लिए तो 9 फीट ही है। गोला फेंक में 16 पाउंड का फेंकना है, न्यूनतम 20 फीट, उसमें 16 पाउंड का आपका जो है 20 फीट से कम था, इसमें ज्यादा फेंकना है। महिलाओं को उसमें जो है कम फेंकना था, इसमें ज्यादा है, 12 पाउंड का गोला है, 10 फीट फेंकना है। ठीक, तो सार्जेंट में थोड़ा सा पीटी में बदलाव है, बाकी दोनों चीजें जो रिटर्न होना है वो सेम एज इज है। इतनी बड़ी भी चीजें नहीं है कि आपको सोचना कुछ पड़े। इसमें भी आपका आरक्षण दिया है, जो पद जैसे हैं 34 ये है, 2 ये है, 39 ये है, 26 ये है, 21 ये है, 7 ये है, 86 ये है, 215 में 76 पद इसमें भी रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, तो भैया जिनका आपका सब कुछ है, जितनी चीजें इसमें बताई गई हैं, वो लोग अच्छे से जुटिए। और बहुत अच्छी वैकेंसी ये भी है, ठीक है, सभी में आपका ऑनलाइन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 16-8 से प्रारंभ हो जाएगा अगले आपके रविवार से, जो आने वाला रविवार है, तो 24-9 इसकी अंतिम डेट है, सारे लोग डाल सकते हैं, अप्लाई करिए। ठीक, आपका बस इसमें यह है कि बिहार आपको पेपर देने जाना होगा, ₹400 इसमें फी लगती है। ठीक, और जो लोग आपके सामान्य कैटेगरी वाले हैं उनको ₹700 देना होता है, बस इतनी चीजें चलती हैं, तो इस हिसाब से आप लोग सारा भर सकते हैं। और बाकी चीजें प्रक्रिया उसमें पंजीकरण से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है आपको वहां मिल जाएंगी, जो कुछ आज तक आप करते हैं वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, नेशनलिटी भारतीय ही चलती है और सारी चीजें हैं, जब और तो चीजें उसमें मिल ही जाएंगी, सारे लोग जानते हैं कि कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो इतनी आपकी डिटेल रही, जो कुछ हमने आपसे बात किया कि क्या कैसे होना चाहिए, क्या कैसे नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ आपकी जानकारी इतनी रही।